हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू कॉन्कर यूपीएससी प्रीलिम्स जोस 2021 की सीरीज में यह हमारा सिक्स्थ लेक्चर है, जहां पे मैं रूल्स ऑफ ओरिजिन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ये टॉपिक को आप रिलेट कर सकते हो इकोनॉमी से। ये वीडियो लेकर आया हूं मैं, मेरा नाम है मोहम्मद खैरुल मुबीन अहमद। ये काफ़ी शानदार टॉपिक है, अगर समझ में आया तो, नहीं आया तो उतना ही डिफिकल्ट टॉपिक है। चलिए आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। रूल्स ऑफ ओरिजिन, सबसे पहले इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में मैं थ्योरी पार्ट पर आऊँगा। मान लीजिए दो कंट्रीज हैं, कंट्री ए और कंट्री बी। अब इन दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब ये ट्रेड एग्रीमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, या तो फिर ये FTA होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या फिर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। देखिए FTA में होता क्या है, जब हम FTA एग्रीमेंट की बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज पे कोशिश ये की जाती है कि कम से कम टैरिफ इम्पोज करें, और कोशिश ये भी की जाती है कि इसको जीरो तक लगभग रिड्यूस कर सके। दूसरी तरफ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जब प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हो, यहां पर आप चुनिंदा आइटम्स को ही प्रेफर करते हो। यहां पर इन आइटम्स या सर्विसेज पर लेस ड्यूटी इंपोज किया जाता है। लेट अस से ए एक्सपोर्ट कर रहा है बी को 100 आइटम्स, जिनमें से 10 आइटम्स को प्रेफरेंस देते हैं और इस पे बहुत कम ड्यूटी इंपोज की जाती है। ये अग्रीमेंट जो साइन होता है उसको प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। ये अग्रीमेंट्स क्यों किए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड बढ़ाने के लिए। प्रॉब्लम कहाँ है फिर, सब इतना अच्छा तो चल रहा है, प्रॉब्लम्स तब आती है जब न्यू कंट्री यहाँ पर एंट्री लेती है, जैसा कि कंट्री सी, जिसे ना तो बी ने किसी तरह का अग्रीमेंट साइन किया है, ना ए ने किसी तरह का अग्रीमेंट साइन किया है। अब सी क्या कर रहा है, अपने पास से कोई आइटम्स ए को एक्सपोर्ट कर रहा है, और ये आइटम वही आइटम है जो 10 आइटम्स में से चुना गया है। अब ए बिना कोई एफर्ट लगाए ये सी से आइटम खरीद रहा है और बी को बेच रहा है। लेट अस से ₹5 में कोई आइटम ए खरीद रहा है सी से, और ₹10 में बी को ये बेच दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं तो ट्रेड डिस्टॉर्शन है, राइट? तो इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, हम रूल्स ऑफ ओरिजिन कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, रूल्स ऑफ ओरिजिन में आप इस तरह के ट्रेड डिस्टॉर्शन पे रोक लगा सकते हैं। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफाई किया है कस्टम्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट रूल्स 2020, जो कि 21 सितंबर 2020 को फोर्स में भी आ गए हैं। तो व्हाट आर रूल्स ऑफ ओरिजिन, रूल्स ऑफ ओरिजिन एक क्राइटेरिया है, एक कॉन्सेप्ट है जो डिटरमिन करेगा नेशनल ओरिजिन ऑफ अ इंपोर्टेड प्रोडक्ट इन अ कंट्री, हम ये कंट्री में ही बना रहे हैं ये प्रोडक्ट या किसी और कंट्री से इंपोर्ट कर ला रहे हैं। तो यहाँ पे बताया ये गया है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन आर ऑफ टू टाइप्स, एक है नॉन प्रेफरेंशियल रूल्स ऑफ ओरिजिन और दूसरा है प्रेफरेंशियल रूल्स और ओरिजिन। पहले नॉन प्रेफरेंशियल रूल्स ऑफ ओरिजिन देख लेते हैं। ये कब अप्लाई होता है, ये जब अप्लाई होता है कि एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के साथ किसी भी तरह का अग्रीमेंट साइन नहीं किया, तब क्या होगा, तब पॉलिसी मेजर्स लगाए जाते हैं, जैसा कि कोटास या फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी और मेड इन लेबल्स। यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ ओरिजिन के लिए ये सारे चीजें किए जाते हैं। प्रेफरेंशियल रूल्स और ओरिजिन में क्या होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट में चुनिंदा आइटम्स के ऊपर कम टैरिफ इम्पोज करने की बात करते हैं, और हर ट्रेड अग्रीमेंट का अपना खुद का रूल्स ऑफ ओरिजिन का सेट होता है, जो कि दो कंट्रीज आपस में बात करके ये रूल्स सेट कर सकते हैं, और इसमें गाइडलाइंस भी इशू किए जाते हैं फॉर इशूइंग अ लेजिटिमेट सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। और एक बात बता दूं मैं आपको, प्रेफरेंशियल रूल्स ऑफ ओरिजिन बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव है कंपेयर टू नॉन प्रेफरेंशियल वंस। जैसा कि मैंने बताया, हर कंट्री के अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन सेट करने के लिए, लेकिन जो कॉमनली यूज किए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे आता है होली ऑप्टेंड, इसमें होगा क्या, दीज इंक्लूड गुड्स प्रोड्यूस और ऑप्टेंड इन अ गिवन कंट्री विदाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी इनपुट मटेरियल फ्रॉम अदर कंट्रीज। जैसा कि मैंने कहा एग्जाम्पल देते वक्त, अगर ए कंट्री है और बी कंट्री है, यहाँ पे सी की एंट्री आ रही है और सी क्या कर रहा है, अपना प्रोडक्ट बी को बेच रहा है और बी ए को बेच दे रहा है ज्यादा पैसों में। लेकिन ये तो ठीक है, ट्रेड डिस्टॉर्शन है, लेकिन अगर इमेजिन करिए आप, बी कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जहां पे रॉ मटेरियल सी से लेना जरूरी है। से फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर सिस्टम बी बनाता है जहां पे मदरबोर्ड सी से बनकर आता है, इसमें तो किसी तरह का डिस्टॉर्शन नहीं होगा, क्योंकि बी के पास अवेलेबल नहीं है,
तो बी क्या करेगा, अलग अलग कंट्री से कंपोनेंट्स इंपोर्ट करेगा, फिर फाइनली फाइनल प्रोडक्ट जो है बी में मैन्युफैक्चर होगा और बी ए को इंपोर्ट करेगा, राइट? तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन होली ऑप्टिन क्राइटेरिया में होगा ये ए और बी के बीच में ही होगा, ये जितने भी चीजें होगी फाइनल प्रोडक्ट जो भी होगा बी में ही होगा और रॉ मटेरियल बी की कंट्री में ही होगा। सो इसीलिए कह रहे हैं हम इसको होली ऑप्टेंट क्राइटेरिया। लेकिन सब्सटैंशियल और सफिशियंट ट्रांसफॉर्मेशन क्राइटेरियन में क्या है, आप जहां से लेकर आते हैं रॉ मटेरियल लेकर आइए, लेकिन हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है, ए को जो प्रोडक्ट मिल रहा है बी के जरिए, वो फुल्ली सफिशियंटली ट्रांसफॉर्म्ड होकर रहना। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जो खरीद रहे हैं वो ए को बेच दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। थर्ड में क्या होगा, वैल्यू कंटेंट मेथड। वैल्यू कंटेंट मेथड में होता ये है, अप टू स्पेसिफाइड लेवल किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड हो जाना है। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 40% हो सकता है, 60% होता है, 60% या 40% आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाना, इसको हम कह रहे हैं वैल्यू कंटेंट। वैल्यू का स्पेसिफाइड लेवल वॉल्यूम मेंशन किया जाता है यहाँ पे। वेयर एज सब्सटेंशियल या सफिशियंट ट्रांसफॉर्मेशन में फुल्ली आपको चेंज कर देना है प्रोडक्ट को, जो भी आप बेच रहे हो किसी और कंट्री से लेकर। वैल्यू कंटेंट में क्या होगा, यहाँ पे गाइडलाइंस दी जाएगी, 40% ही कर सकते हो या 60% ही कर सकते हो, इस तरह से। नेक्स्ट इज चेंज इन टैरिफ क्लासिफिकेशन मेथड। यहाँ पे क्या होता है, ए गुड इज कंसिडर्ड सब्सटेंशियल इज ट्रांसफॉर्म्ड व्हेन द गुड इज क्लासिफाइड इन अ हेडिंग और सब हेडिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑल नॉन ओरिजिनेटिंग मटेरियल यूज्ड। होगा ये, से फॉर एग्जांपल मैं एक कंट्री से ब्रेड इंपोर्ट कर रहा हूँ और ये ब्रेड मैं दूसरों को दे दे रहा हूँ, ये ट्रेड डिस्टॉर्शन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन टैरिफ क्लासिफिकेशन में आपको हेडिंग और सब हेडिंग चेंज कर देना होगा। से फॉर एग्जांपल अगर ये ब्रेड का पैकेट सी हम बी को एक्सपोर्ट कर रहा है, तब क्या होगा, इसके ऊपर खुद के कोडिंग्स होंगे, इसको बोलते हैं HS कोडिंग या हारमोनियम कोडिंग बोलते हैं इसको। बी क्या कर रहा है, बी ये ब्रेड लेकर कुछ ब्रेड पकौड़े बना रहा है और फिर बाद में इसको पैकिंग करके ए को बेच दे रहा है। हाँ, यहाँ पे HS कोडिंग है ना डिफरेंट होगी, क्योंकि बी ने ये प्रोडक्ट को चेंज कर दिया है, इसको अलग फॉर्म दे दिया है, ब्रेड से ब्रेड पकोड़ा हो गया है ये। तो ये क्या है, चेंज इन टैरिफ क्लासिफिकेशन मेथड होता है। इसमें एक रूल भी होता है, इसको कहते हैं टॉलरेंस रूल। ये परमिट करता है स्पेसिफिक शेयर होगा जो वैल्यू का और प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिक शेयर होगा फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, ये कुछ ऐसा हो कि फाइनल प्रोडक्ट अपनी ओरिजिनेटिंग स्टेटस ना खो दे, ये टॉलरेंस रूल है। अब आते हैं, बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बारे में। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक इंटरनेशनल ट्रेड डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो सर्टिफाई करता है कि गुड्स इन अ पर्टिकुलर एक्सपोर्ट शिपमेंट आर होली ऑप्टेंट, प्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस्ड इन अ पर्टिकुलर कंट्री। तो यही कंट्री में बना है, प्रोसेस्ड हुआ है, ऑप्टेंट हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ है, ये सारी चीज़ें बताता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। इन अदर वर्ड्स ये क्या करता है, ये डिक्लेयर करता है कि एक प्रोडक्ट की नेशनैलिटी क्या है, और जो एक्सपोर्टर होता है इसको सबमिट करना होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जब ये लैंड करते हैं पोर्ट्स में ऑफ इंपोर्टिंग कंट्री। अब जो रूल्स की बात कर रहे थे हम, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने कुछ रूल्स लेकर आए थे, वो रूल्स के बारे में देखेंगे। अबाउट कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड अग्रीमेंट रूल्स 2020, कैरोटर कहूंगा मैं यहां से इसको। ये रूल्स एप्लीकेबल हो गए जो भी गुड्स इंडिया इंपोर्ट करता है। कैरोटर 2020 का एम ये है कि टू सप्लीमेंट द ऑपरेशनल सर्टिफिकेशन प्रोसीजर्स रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स ऑफ ओरिजिन, जो कि प्रिस्क्राइब किए गए हैं अंडर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। विद दिस आई एम क्लोजिंग द डिस्कशन। थैंक यू।